हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज हम जो है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम टू एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर इन एनी फाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेसेस। और इस लॉ के मुताबिक जो है इम्पॉसिबल है किसी सिस्टम के टेम्परेचर को रिड्यूस करना और उसे जो है एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर तक पहुंचाना, दैट इज़ ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर तक पहुंचाना इन एनी फाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेसेस। किसी भी प्रोसेस में हम जो है सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर तक नहीं पहुंचा सकते। हम जो है किसी सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो ज़ीरो केल्विन नहीं कर सकते। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज दस प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ अनअटेनेबिलिटी थ्योरियम। तो जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो अनअटेनेबिलिटी थ्योरियम के फॉर्म में प्रेजेंट है। हम अटेन नहीं कर सकते ज़ीरो केल्विन को। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन ऑल्सो बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ इंट्रोपी। और जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसको हम इंट्रोपी के टर्म्स में भी स्टेट कर सकते हैं, इंट्रोपी को यूज करके भी स्टेट कर सकते हैं। वॉल्टर नर्नस्ट ऑब्जर्व दैट द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज़ वेरी स्मॉल व्हेन द सिस्टम गोज़ फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट एट लो टेम्परेचर। वॉल्टर नर्नस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो सिस्टम के एंट्रोपी में चेंज होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है जब सिस्टम जो है एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में जाता है लो टेम्परेचर पे। जब टेम्परेचर लो हो और सिस्टम जो है वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में जाए तो जो एंट्रोपी में चेंज है वो बहुत ही स्मॉल होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट नियर एब्सोल्यूट जीरो द सिस्टम इज हाईली ऑर्डर्ड एंड द एंट्रोपी ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम इज नियरली कॉन्स्टेंट। टेम्परेचर जो है वो जीरो केल्विन के पास आता है तो सिस्टम जो है तब बहुत ही ऑर्डर्ड होता है। जब सिस्टम ऑर्डर्ड होगी तो एंट्रोपी जो है वो बहुत ही कम होगी, जो एंट्रोपी में चेंज है वो नियरली कॉन्स्टेंट होती है। दिस ऑब्जर्वेशन लेट नर्नस्ट टू स्टेट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एज नर्नस्ट हीट थ्योरियम। और इस ऑब्जर्वेशन से नर्नस्ट ने जो है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया एज नर्नस्ट हीट थ्योरियम। एज नर्नस्ट हीट थ्योरियम कह के उसने जो है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया, जिसको नर्नस्ट हीट थ्योरियम भी हम कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरियम द एंट्रोपी चेंज इन एनी reversible isothermal process tends to zero as the absolute temperature of the system tends to zero. That is, limit of T tends to zero, delta S reversible is equal to zero. और इस थ्योरियम के मुताबिक जो है जो एंट्रोपी में चेंज आता है किसी भी रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में वो जो है ज़ीरो होता है जब टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है सिस्टम का वो ज़ीरो होती है। यानी कि जब टेम्परेचर जो है वो ज़ीरो को टेंड करती है तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो भी जीरो को टेंड करती है। वही यहाँ पे लिखा है व्हेन टेम्परेचर टेंड्स टू जीरो, जो डेल्टा एस रिवर्सिबल है वो जीरो के बराबर होती है और वो जो है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।